अच्छा चलिए, ओवैसी साहब को तो छोड़िए, जो खास में मिश्रा साहब कह रहे हैं ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। ब्रॉडर लेवल पे ये देखा जाए कि मुसलमानों के साथ ये प्रॉब्लम है क्यों। प्रॉब्लम इसलिए है ना कि मैंने ये चीज रीड किया है कि जो एक कॉमन मुसलमान है किसी भी रीजन से, चाहे मुल्ला के कहने में चाहे कैसे भी अज्ञानता के कारण, वो प्रेजेंट में कभी नहीं रहता है। वो या तो पास्ट में जीता है या अपना फ्यूचर मुकम्मल करता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एकदम से अनपढ़ और गंवार मुसलमान से भी आप पूछेंगे जिसने कभी कागज नहीं छुआ, किताब नहीं पढ़ा, उसको ये पता है कि हमने हिस्पैनिया में शासन 700 साल तक किया था, कैसे किया था। ये हो गया पास्ट में जीना, वो पास्ट में ही खोया रहेगा और फिर से उसको रिक्लेम करने की कोशिश करेगा कि वो वाली सिचुएशन फिर आ जाए। या फ्यूचर में आईआईटी इंजीनियरिंग वगैरह करके अभी गोरखपुर में जो कांड हुआ, तो अब वो लड़का वहां पे जो चाकू से हमला किया, या न्यूयॉर्क में जो टावर के साथ उसने जो जहाज लड़ाए थे, इतने पढ़े लिखे होने के बाद वो अपना फ्यूचर मुकम्मल कर रहे थे, भविष्य कि हमें जन्नत में जाना है, वहां 72 हूरें लेनी है। तो अगर ये प्रेजेंट में रहना शुरू कर दे कि भाई हमें रोजगार करना है, बच्चों को पढ़ाना है, नौकरी करनी है, जैसे कि दुनिया के सारे लोग करते हैं, अमेरिका में जितने लोग हैं उनसे देखिए, वो सुबह 10 बजे भागेंगे, हम लोग सुबह 9 बजे भागते हैं, फीस भरनी है, तो ये प्रेजेंट में तो कभी रहते नहीं है। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, इस स्टेट ऑफ माइंड से निकालना होगा अवेयरनेस ले आकर के, पहली चीज। दूसरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मैंने बोला बादशाहत का कीड़ा, पता नहीं क्यों हर मुसलमान को ऐसा लगता है, देखिए बादशाहत अब कहीं नहीं रही पूरे दुनिया में। 5 साल के लिए कोई बन गया, फिर कोई बन गया, डेमोक्रेटिक रूल सब जगह है। इनको अभी भी ये लगता है कहीं डेमोक्रेसी है, इनको ये लगता है कि अमेरिका में हम बादशाहत फिर ले आएंगे, हिस्पैनिया में फिर ले आएंगे। एक बड़ी ध्यान देने वाली बात है, पूरे सब कॉन्टिनेंट की बात करूं, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की, अंग्रेज चले गए लेकिन हम अंग्रेजों के पीछे लाठी लेके नहीं पड़े हैं, लेकिन मुगलों के पीछे, मुसलमानों के पीछे हर जगह बवाल हो रहा है। उसके पीछे रीजन ये है, जब आप किसी का जीना दूभर कर देंगे, देखिए हिंदुस्तान के मूल निवासियों को इस्लाम आने के पहले किसी बादशाह से कोई खतरा नहीं था। यहाँ के जनता ने कभी कोई प्रतिरोध नहीं किया कि भैया राजा तुम मत बनो या तुम मत बनो। यहाँ की जनता ने मान लिया ठीक है आप राजा हो, लेकिन बात यहीं तक सीमित रहे तब तो ठीक है, लेकिन राजा या बादशाहत होने के बाद, बादशाह बनने के बाद तुम जीना आराम करोगे कि तुम पूजा नहीं कर पाओगे, तुम जजिया तुम्हें देना है, तुम गंगा नहीं नहा पाओगे, गाय का मांस ये होगा। जब एक लेवल पे जाकर के सारी चीजें खत्म होने लगती हैं, तो वहां पे विरोध की बातें, विरोध की भावनाएं उठनी शुरू हो जाती हैं। अगर ये दो तीन चीजें स्टेट ऑफ माइंड मुसलमानों का इस दुनिया में कोई बदल दे, सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने बदलना शुरू किया है, मैं आपको फ्रेंकली बोलूं ये एक स्वागत योग्य कदम है। यही चेंज अगर जनमानस पे लाया जाए एक एक मुसलमान को, क्या कारण है कि एक अनपढ़ मुसलमान मुसलमान को हिस्पैनिया, जो कि हम इंडिया या पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, अरे हिस्पैनिया की लड़ाई में तुम क्या, तुम्हारे दादा परदादा भी नहीं गए थे वहां पे, तो तुमको क्या मतलब है वहां के इतिहास से, कि वहां के इतिहास को लेके एकदम प्राउड फील करना और ये महसूस करना कि हम ही वहां के बादशाह थे और हम ही ने वो युद्ध फतह किया था। ये डायलेमा से, ये वोग स्टेट ऑफ माइंड, वोग पावरफुल वाली जो भावना है कि हम ही सबसे ज्यादा, रॉन्ग वे में ये भावना है कि हम ही सबसे ज्यादा पावरफुल है, इस स्टेट ऑफ माइंड से अगर मुस्लिम समाज अपने आप को निकाल लेता है, तो मैं समझता हूं दुनिया में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन मुसलमानों का होगा। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इनकी है, लेकिन साइंस में, टेक्नोलॉजी, इवन सऊदी अरेबिया में जितनी पेट्रोल निकालने की मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, कंपनी है, सब नॉन मुस्लिम टेक्नीशियंस वहां लगे हुए हैं सर। इतनी बड़ी ये पॉपुलेशन सर्व कर सकती जी, है जी मिश्रा को, जी पूरी दुनिया को, हाँ जी पूछिए मत। हाँ जी मिश्रा जी, इससे